पिटाई करूं? सॉरी बोलू, सॉरी आदि, सॉरी आगे देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल creativity.com। तो आज हम जा रहे हैं, मैं अपनी कजन से मिलने जा रही हूँ जो गुड़गांव में रहती है, और ये देखो बच्चा पार्टी रेडी हो गई है। आराम से, आराम से, आराम से, उठो 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 उठो, गरम 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 गरम। पिकाचू, पिकाचू, और ये देखो छोटे पिकाचू हैं दोनों। हम लोग हो गए हैं रेडी और जा रहे हैं हम अपनी कजन से मिलने। ये देखो अभी मैं अपने भाई के घर आई हूँ, बड़े वाले के, और हम रेडी होके निकल रहे हैं। कुछ बाहर का भी दिखाते हैं आपको। ये है गुड़गामा, अब यहाँ से निकल के जाएंगे। रेडी हो गए हम, ये देखो सब लोग आलू के पराठे खा के निकल रहे हैं। और वहाँ हमें मिलने वाले हैं छोले, जो कि हमें पहले से ही पता चल गए हैं। राइड बुक कर दे यार, फटाफट निकलते हैं, अब एक बज गया है, लेट कर देते हैं हमेशा। गुड़गामा, गुरुग्राम भी बोलते हैं ना कुछ लोग, गुरुग्राम। कितने मेरी कितनी स्ट्रॉबेरी चाहिए आपको? टू स्ट्रॉबेरी, तो थ्री नहीं चाहिए? दादा को भी दोगे स्ट्रॉबेरी? भाई भैया को दोगे? आप मेरे से पूछो कितनी स्ट्रॉबेरी। भैया को दोगे स्ट्रॉबेरी? भैया से शेयर करना। वाय वाय वाय, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, है, नहीं है। ये दादे का है? दादे का है? हाँ। बुआ का है? बुआ का है उधर। हाँ, कौन खाएगा फिर स्ट्रॉबेरी? बुआ का है उधर शॉपिंग। शॉपिंग? ये शॉपिंग नहीं खा ले उधर शॉपिंग। हाँ, दादा को नहीं देना है? नहीं देना उधर शॉपिंग। दादा किसको मारना नहीं है? मैं मारू तेरे को, पिटाई करूं? सॉरी बोलू, सॉरी आदि, सॉरी बोलो, बोलो सॉरी आगे देखो, आगे देखो। तो फ्रेंड्स ये देखी आपने फूफा जी और भतीजे की फाइटिंग, जो कि कार में खूब हो रही थी। तो अभी हम जस्ट बस दी के घर पहुंचने वाले हैं। दी हमारा काफी टाइम से वेट कर रही होगी, क्योंकि उसने बोला था जल्दी आ जाना, वो तो कहती कि ब्रेकफास्ट भी यहीं करेंगे। किसका घर जा रहे हैं? हमारे छोटे चंदूला को। हाँ, ओ माय गॉड, बहुत एनर्जी है इसके अंदर। रुक जाऊं? और ये अब हम पहुंच चुके हैं, और ये है जो ये ब्लू कलर का घर आपको दिख रहा है पीछे से, ब्लूइश कलर का, ये दी का घर है। और वो सेकंड फ्लोर पे रहती है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर रेंट पे है। और देखिए ऊपर से देख रही है हमको और बोल रही है आ जाओ ऊपर, और अब जस्ट हम ऊपर पहुंच रहे हैं। आज फिर से कर दे बच्ची, यस ये क्या क्या बना है, क्या क्या बनाया पहले बता, क्या कर रही है, क्या क्या बनाया? बहुत कुछ बनाया भाई, यहाँ भी कुछ बना है, यहाँ भी कुछ बना है, यहाँ भी कुछ, अभी नहीं बनाया। देखो ये है दीदी की किचन, बढ़िया। अरे बहुत सारे लाइक्स आएंगे, देखो बढ़िया बिल्कुल। ये हमारी सोना मैडम है, दी के घर की तो मैं ज्यादा वीडियो बना नहीं पाई, क्योंकि फिर ना दी के साथ भी टाइम स्पेंड करना था, और लंच वंच करके हम जल्दी से वहां से आ गए थे, ज्यादा देर तो नहीं रुके। और घर आते ही फिर से फूफा जी और भतीजे की शुरू हो गई तोतू मैं, और पूरी टक्कर दे रहा था हमारा नित्तू बेबी अपने फूफा जी को, यानी तनुज को, और अदवे भी पूरा मजे ले रहा था, उसको भी बहुत मजा आ रहा था उसको देखने में, बीच बीच में वो भी आ जा रहा था। लेकिन भाई आप देखते जो भाई तनुज के साथ इसकी उनकी फाइटिंग हुई है, खाएगा पेट खाएगा खाएगा क्या बात सुनो आपकी, तो
तो खूब सारी फाइटिंग में अब सब थक चुके हैं और उसके बाद थोड़ी देर हमने किया रेस्ट। उसके बाद भाभी भी आ गई थी, भाभी का कोई एग्जाम था और उसके बाद हमने कहा शाम को चलो निकलते हैं कहीं घूमने के लिए। तो हम जा रहे हैं कहीं घूमने, हमें भाई कहीं लेके जा रहा है। भाई ने कहा तुम्हें गुड़गांव की कुछ अच्छी जगह दिखाई जाए। चलो 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 देखो चलो 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 ये दिल है मेरे यार बस इश्क मोहब्बत। So, जो लोग गुड़गांव में रहते हैं तो उन्हें तो लोकेशन से आइडिया आ गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो नहीं है उन्हें हम बता दें कि हम जा रहे हैं साइबर हब घूमने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा जहाँ पे मॉल वगैरह है ना, बहुत सारे आपको फूड्स के वहाँ पे स्टॉल्स मिल जाएंगे, बहुत कुछ है वहाँ पे, आपको बच्चों के लिए गेम्स वगैरह है, मतलब बहुत है कुछ वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। और बहुत ही अच्छी डेकोरेशन, वैसे तो हमेशा ही वहाँ पे बहुत अच्छी डेकोरेशन रहती है क्योंकि हम गए थे क्रिसमस के मौके पे तो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हो रही थी वहाँ पे। और सॉरी फॉर कि मैं वीडियो बहुत लेट डाल रही हूँ ये वाला, बट हम गए थे क्रिसमस के मौके पे। आप देखिए कितनी अच्छी लोकेशन है ये और बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, बहुत अच्छे से मनाया गया है इसको और बहुत सुंदर डेकोरेट वगैरह कर रखा था। तो हमने पहले तो एक्सप्लोर किया थोड़ा बहुत, तो फिर उसके बाद हमने कहा अब बच्चों को खिलाया जाए पिज़्ज़ा क्योंकि किड्स हमारे बहुत उन्हें भूख लग चुकी थी। तो हमने तो फाइनली बहुत ज्यादा इंतजार के बाद हमारा पिज्जा आ गया है। बच्चे बहुत खुश हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला पहले ट्राई किया जाए। और तनुज भी अभी कुछ उन्होंने उनका सब पिज्जा से ले तो उन्होंने कहा KFC वगैरह भी जाया जाए, तो वो अपना कुछ वहाँ से भी ऑर्डर लेके आने वाले हैं। तब तक बच्चे पिज्जा इंजॉय कर रहे हैं और हम लोग भी पिज्जा इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। हमने कहा चलो सबसे पहले पिज्जा एंजॉय किया जाए। तनुज और भैया का वेट कर रहे हैं बट वो पता नहीं और क्या क्या खरीद के लेके आ रहे हैं। मैंने बोल भी दिया था कि बहुत ज्यादा आप मत ऑर्डर करना क्योंकि पिज्जा ऑलरेडी बहुत हैवी होता है, बहुत ज्यादा खाया नहीं जाता है। तो उसके बाद हमने फिर से एक्सप्लोर किया और ये देखिए ऊपर से साइबर हब का नजारा कुछ इस तरह से लग रहा था। ये मैंने ऊपर के फ्लोर से बनाया है। लोग देखिए पूरा अपना अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। और ये हमारा हीरो दो क्यूटी पाए जो बाहरी डांस करने लग गए थे। और यदि इतना सुंदर यहाँ पे क्रिसमस ट्री उन्होंने लगा रखा था, बहुत अच्छी सी डेकोरेशन कर रखी थी। जैसे मैंने आपको बताया हम क्रिसमस डे के अराउंड यहाँ पे गए थे तो यहाँ पे बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। फिर अद्वे और नित्यम दोनों को राइड करनी थी, उन्होंने बोला हम वो जाके बैठ गए पहले से कि हमें इस वाली भाई बाइक पे राइड करनी है और दोनों को हमने भैया से राइड करवाई। जब तक ये लोग मस्ती कर रहे हैं अपने अपनी राइड इंजॉय कर रहे हैं, हमने कहा चलो हम कुछ और एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो हमें दिखी ये शॉप, ओ माय गॉड इतने सारे सेंटास थे यहाँ पे और अलग अलग तरह के सेंटास थे अलग अलग। देखिए ये लोग कितने अच्छे से करतब दिखा रहे हैं, बिल्कुल जैसे कि कोई म्यूजियम में हो। बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत क्यूट से थे। कोई कुछ बजा रहा है, कोई है ना, ये देखिए कोई अपने चश्मे को ऊपर नीचे कर रहा है, कोई करतब दिखा रहा है। और इसी बीच हमारे दो हीरो भी वापस आ गए हैं, अपनी राइड कंप्लीट हो गई है उनकी, बट उनका मन अभी भी नहीं भरा था। उन्होंने कहा हमें एक और राइड करनी, तो हमने कहा चलो इस बार आप लोगों को ट्रेन में बिठाते हैं। तो हमने उनको ट्रेन में बिठा दिया और बोला एंजॉय करो, और बच्चों को वैसे भी बहुत पसंद आती है। वैसे तो तनुज बोल रहे थे आप लोग भी बैठ जाओ, आप लोग भी एंजॉय करो, मैंने कहा नहीं, तो बच्चों को एंजॉय करने दो। दो दिनों बैठ गए हैं, खूब मस्ती कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, देख रहे थे। मुझे तो लग रहा था आस पड़ोस के जो मतलब डिब्बे में बैठे हुए वो कहीं परेशान ना हो, वो बहुत उनके साथ मस्ती कर रहे थे। तो इन्होंने खूब ट्रेन में मस्ती करी है, बहुत इंजॉय किया है, काफी अच्छा है ये साइबर हब। अगर आप भी गुड़गांव में है तो यहाँ पे जाइए, एक्सप्लोर करिए, आपको बहुत मजा आएगा। हमें तो बहुत मजा आया। डी की घर की वीडियो में ज्यादा नहीं बना पाई क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए भी नहीं गए थे, तो मुझे लगा वहां टाइम स्पेंड करना ज्यादा जरूरी है वीडियो बनाने से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने वीडियो को एंजॉय किया हो। अगर आपको वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर गुड़गांव के बाहर हैं या गुड़गांव से हैं तो यहाँ पे जाके जरूर एक्सप्लोर करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय माय वीडियो।